So today it is second lecture for reasoning classes. Basically, we are dealing with the quant part right now. So let's start. Yesterday we have discussed 10 questions. After 10 questions, today we will discuss the largest 4-digit number exactly divisible by 88. Okay, is so. If such type of question will arise, then अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि 88 से डिविजिबल हो या किसी भी नंबर से डिविजिबल हो और आपके पास ऊपर में दे रहा है कि 4 डिजिट नंबर है, तो लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं. ओके, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 88 से. तो बेसिकली इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है. तो 4 डिजिट नंबर अगर कभी भी आ रहा है या 5 डिजिट है या 6 डिजिट है, अगर लार्जेस्ट है तो फर्स्ट नंबर आपका 9 होगा, उसके बाद का भी सारा नंबर जो होगा वो 9 का वैल्यू कैरी करेगा. ठीक है, लेकिन अगर यही कह रहा है कि स्मॉलेस्ट की अगर बात करता है कभी भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट नंबर आपका 1 होगा और स्मॉलेस्ट अगर पूछ रहा है आपका जितना भी डिजिट का आप नंबर आप ले लीजिए, उसके आगे आप 0 अटैच कर सकते हैं. यहाँ पे बात हो रही है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर की जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 है. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बेसिकली 88 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 188, इट्स 11 एंड हेयर इट इज 9, इट्स 88. कल मैं बता रहा था कि हम लोग नीचे से एडिशन कर लेते हैं. तो 8 1 9, कोई कैरी नहीं है, और 8 3 11, 88 3 1 9. Okay, then 88 8 4 is 32, 8 3 is 24. Okay, 24 and 24 it means 244, 264. Here it is 5 4 5 9 and 26, and here it is also 5 55. So we get remainder as 55. तो मैंने कल ही बताया था कि अगर इस तरह का कुछ आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि 55 को माइनस कर देंगे, यानी 99 9999 माइनस 55. वी गेट द आंसर एज ए. ओके, 9944. ओके, देन the next one is the smallest number should be added to 4456 so that the sum is completely divisible by 6. एक मैंने रूल बताया था कि divisibility rule जो 6 का ये होता है कि वो नंबर आपका 2 से भी divisible हो and 3 से divisible होना चाहिए 6 से divisible होने के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर मान ले रहे हैं कि 2 से divisible होने के लिए क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया ये कहता है कि आखिरी का नंबर जो है वो 2 से divisible हो, तो 2 से divisible है. 3 से divisible होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो sum है सारे नंबर का 4456 ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से. तो कहने का मतलब क्या है, 4 + 4 डेट इज 8, 4 + 4 डेट इज 8, +5 13, +6 13 +6. ठीक है, 13 + 6 डेट इज इक्वल टू 19. ठीक है, तो 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम इसमें ऐड करेंगे. तो ऐसा समझते हैं कि 19 में हम कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करेंगे जो कि इसको डिवाइड कर दे. तो ऑब्वियसली बात है कि 2 को 2 ऐड करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा. इट मींस द आंसर इज सी. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड पे भी जा सकते हो कि 4456 आपका जो वैल्यू है ये आपने इसको लिया, आपने इसको 6 से डिवाइड किया, 6 7s are 42, 2 5 6 4s are 24, it's 1 and here it is 6, then 6 2s are 12. Okay, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 4 बचा और आपके पास क्या है यहाँ पे वैल्यू 6 है. तो ऑब्वियस ही बात है कितना आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो बेसिकली 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो अब इसमें 2 आप ऐड करोगे तो आपका ये वैल्यूज आपको गिवन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द नंबर 517324 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इस तरीके से बात की 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सबका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है 5 + 1 6 ओके 5 + 1 6 + 7 13 प्लस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, +3 + 2 + 4 ओके। तो इट इज इक्वल टू 5 1 6 7 13 3 16 2 18 और 4 22 और 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर है वो ऑब्वियसली बात है 22। अगर इसका सम आ रहा है 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए 22 + 2 दैट इज इक्वल, इट मींस द आंसर इज 2 क्योंकि 24 ही जो नंबर है वो आपका डिविजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, अगर ये लार्जेस्ट नंबर होता तो क्या हो जाता कि आप फिर इसमें 2 3 5 और 3 8, अगर यहाँ पे ऑप्शंस में अगर 8 होता तो आप 8 को मार सकते थे अगर लार्जेस्ट बोलता कि लार्जेस्ट हम लोग कितना ऐड करेंगे, तो ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, है ना, ऑड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन सा होगा, तो इंटीजर्स देखिए आपका क्या है 2 कंसेक्यूटिव, यानी कंसेक्यूटिव कहने का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान ले रही कि ये अगर मेरा अगर ये स्क्वायर है सपोज, ठीक है, तो ये इसका कंसेक्यूटिव साइड हो गया ये दोनों साथ में, या अगर हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं तो ये दोनों साथ में ये कंसेक्यूटिव साइड हो गया। उस तरीके से कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर एक अगर 1 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा कंसेक्यूटिव, मतलब कंसेक्यूटिव उसके बाद होगा नंबर, मतलब 2, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा ये आपका वैल्यू होगा बेसिकली, अगर हम x का अगर हम कोई नंबर निकाल रहे तो ये आपका एक नंबर आ गया 2x + 1, ठीक है, और सेकंड आपका इसी का पार्ट आ जाएगा 2x + 3 क्योंकि किस चीज की बात कर रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है ऑड नंबर की, ठीक है। अगर हम x को 0 कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है मुझे 1 मिल जाएगा, और x को यहाँ भी 0 करेंगे तो 1 और 3, ऑब्वियसली बात है ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। डिफरेंस किसके बीच का, स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। हमेशा एक चीज याद रखना है किससे हम लोग माइनस करते हैं, जो बड़ा नंबर होगा उसी से छोटे को माइनस करेंगे ना। इट मींस क्या होगा कि 2x + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो अगर ये नंबर इस तरह से कुछ अगर होता है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ऐसे समझते हैं कि इसको किस तरह से और शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कहाँ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है इसके बाद वाला जो पार्ट का वैल्यू आएगा उसको हम लोग माइनस में मान के लेंगे, ठीक है। अब जो बाद वाला वैल्यू माइनस में आएगा तो आपको यहाँ दिख रहा है कि इसमें आपको 2x है, यहाँ भी 2x है, मतलब इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या उसके अलावा कौन सा वैल्यू बच रहा है, तो इधर आपका 3 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो अगर मेरा ये वैल्यू पहले ही माइनस अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है इधर का बचता है आपका 9 वैल्यू 9 + 2ab यानी 2 to the 4x + 3 4x into 3 is equal to 12x और माइनस का यहाँ पे साइन आएगा माइनस, इधर आपका क्या आएगा 1, अभी ब्रैकेट में ही रख लेते हैं इस पार्ट को 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 to the 4 यानी कि +4x, ऐसा कुछ आएगा। और अगर ऐसा कुछ होगा इसका मतलब क्या है ये आगे वाला ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 और यहाँ कितना था -1 दैट इज इक्वल टू 8 बेसिकली, और 12x और इधर कितना है -4x यानी कि +8x। अगर 8x ऐसा कुछ है इसका मतलब क्या है 8x इक्वल टू, अगर हम इसको यहां से अगर हम कॉमन ले लें 8 को तो कितना वैल्यू आ रहा है 1 + x। 1 + x आ रहा है मतलब क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, ऑब्वियस सी बात है इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। तो आपका ऑप्शन क्या होगा 8 होगा। नेक्स्ट वन इज which one of the following cannot be the square of the natural number। तो इसके लिए आपको बस इतना सा याद आपको रखना है कि जो आपका 1 जो है 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमेशा एंड करता है किससे 4 से, 3 का स्क्वायर 9 से, 4 का स्क्वायर 6 से एंड करेगा ठीक है, 5 का स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद 5 ठीक है, 6 स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद 6, 7 स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद 9, 8 स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद 4, 9 स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद 1, और 0 का तो आपको पता ही है 0 का तो हमेशा 0 ही होगा ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ देख के क्या लग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर कौन सा नंबर नहीं होगा जिसका अब एंड देख लेंगे, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 1 से एंड है ऑब्वियसली बात है 1 से एंड होता है। सेकंड दे रहा है 7 नहीं होगा ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या 5 है ऑब्वियसली बात है एंड है, 4 से एंड है मतलब कि ये हो सकता है लेकिन 7 वाला तो है ही नहीं स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है। इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, इस स्क्वायर को वो चेंज करके क्यूब बना सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कम से कम कि किसका क्या एंड होगा, मतलब अगर ये 0 से एंड हो रहा है ठीक है, ये तो आपका स्क्वायर वाला पार्ट हो गया इसको s लिख देते हैं, इसको क्यूब के लिए सही कर देते हैं। ये 0 से एंड करता है, 1 हमेशा 1 से ही एंड करता है, 2 हमेशा क्यूब में 8 से एंड करता है ठीक है, 3 हमेशा क्यूब में 7 से एंड करता है ठीक है, 4 हमेशा क्यूब में 4 से एंड करता है, 5 हमेशा ऑलवेज 5 से एंड करेगा ठीक है, 6 ऑलवेज एंड्स विद 6, 7 ऑलवेज एंड्स विद 3, 8 ऑलवेज एंड्स विद 2, 9 ऑलवेज एंड्स विद 9। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि कौन सा आपको इसमें वैल्यू आपको देख के लग रहा होगा कि कोई वैल्यू ऐसा मिसिंग है क्या कि जो नहीं आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मीन्स कि आपको इसमें आपको चेक करना ही पड़ेगा। क्यूब में आपका वैल्यूज जो है वो सारे आ रहे हैं इंड्स के, तो आपको उसमें क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा, बट स्क्वायर के केस में वैसा नहीं होता है। स्क्वायर के केस में आपको दिख रहा होगा इसमें 2 से कोई नंबर इंड्स नहीं कर रहा है, 3 से इंड नहीं कर रहा है ठीक है, आपका 7 से कोई नंबर इंड नहीं कर रहा है ठीक है। तो अगर वैसा कोई नंबर आता है जिसमें 2 इंड कर रहा हो, 3 से इंड कर रहा हो ठीक है, और आपका 7 से एंड कर रहा हो इट मीन्स, और 8 से भी एंड कर रहा हो, तो वो नंबर जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं होगा। एक तरीका ये है, ये क्वेश्चन में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी कह सकता है। तो हम ये 4 चीज को देख करके भी पता कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर 2 3 7 8 से अगर कोई नंबर एंड कर रहा है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब कि वो स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर नहीं होगा। What will come in place of the question mark? ठीक है, in the following question, यानी 22 of question mark plus 166.64 है ना, तो 22 of question mark यानी 22/100 ऐसा ही कुछ है। 22 of question mark तो मान लेते हैं 22 into, अभी हम question mark को अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, 22/100 ये हुआ, और क्वेश्चन मार्क को मान ले रहे हैं कि ये कोई नंबर m है, ऐसा कोई नंबर है, प्लस 166.64 166.64 इक्वल टू 340। इट मीन्स क्या है, m जो है m इक्वल टू आपका आ जाएगा वैल्यू इस तरफ 340 माइनस 166.64। अब आखिर में अगर 64 आया है इसका मतलब ये कितना से एंड करेगा, ये आपका एंड किया 36 से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एडिशन का रूल अपना लेते हैं, तो ये कौन सा नंबर बन गया, 7 बन गया। और यहाँ कितना दिख रहा है 0, यानी 7 और 3 10। अब ये कितना बन गया 10, यानी कैरी 1, यानी 6 1 7, और 7 और 7 14, एंड हियर इट इज 1 और यहाँ 3 है, यानी कि 173, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 22/100 तो था ही, इस तरफ में 22/100 तो था ही। तो अगर इस वैल्यू को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, और बेस पे आपका आ जाएगा 22, ठीक है। बेस पे आ गया आपका 22। इट मीन्स m इक्वल टू दिस वन। अब आपको दिख रहा होगा कि 1 1 3 4 और 6 10 और 7 3 10। इट मीन्स द नंबर इज 10 और 10 माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है। इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब क्या है, 11 से अगर हम कट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 11 to the 22, 11 1s 11, here it is 6, 3 63, 11 5s 55, then 55, and here it is 63, 5 8, यानी कि 8 3 83, 83, यानी 11 7s 77, okay, 11 7s 77, then it's 7 or 6, it's 66, यानी कि like this, ठीक है। और ये आपका 0.36 था, तो आप ऐसे ही समझ लो कि अगर हम इसको 0.36 था तो इसको अगर हम पॉइंट से अगर हटा दें तो ये पॉइंट वाला पार्ट हट गया, तो आपका 100 आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी 1576 यहाँ आया अपॉन 2 आया। अब इसको कट कर लो यहीं से, तो आपको आप मिलेगा वैल्यूज, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2 7s 14, 2 8s 16, and 2 8s 16. It's 788. It means the answer is A. ठीक है? 60% of the 3/5 of a number is 36. यानी 60%, यानी 60% is 60 upon 100. 60% of 3/5 multiply by 3/5 ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है तो कोई नंबर मान ले रहे हैं यहाँ पर, कोई नंबर x है ऐसा कुछ है। इट इज बेसिकली इक्वल टू 36। इट मीन्स x इक्वल टू अपोजिट साइड उठा के फेंक देते हैं तो ये कितना आ गया आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 upon 60 multiply by 3, okay, 10 से 10, 6 6s 36, 3 2s 6, and 2 5s 10, और 10 10s 100. It means the answer is 100. The difference between the positive proper fraction and its reciprocal is 9/20. ठीक है, डिफरेंस किसके बीच का, तो कोई एक नंबर मान लेते हैं कि कोई एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, लेट द नंबर बी एक्स, एक कोई नंबर मान ले, लेट द प्रॉपर फ्रैक्शन बी एक्स, अगर कोई एक एक्स नंबर है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में है तो मतलब 1/x हो गया एक वैल्यू पहला, और दूसरा इसका रेसिप्रोकल है यानी कि x हो गया, यानी 1/x minus x। ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 9/20, इक्वल टू 9/20, ठीक है। इट मींस क्या आया 1 minus x square, एलसीएम ले लिया हूं, ठीक है, 1 minus x square upon x इक्वल टू 9/20। तो बस अब वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा ये आपका, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं इसको यहाँ और इसको इस तरफ, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ है 20 - 20x स्क्वायर इक्वल टू 9x। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सबको एक ही तरफ ले लेते हैं, तो अगर हम इसको इस नंबर को भी पॉजिटिव बना के चलेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इसको अपोजिट साइड दे देंगे इस तरफ, तो इसी तरफ ले आते सारे नंबर को उठाकर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20x स्क्वायर प्लस 9x, क्योंकि इधर माइनस में था उस तरफ अपोजिट साइड गया तो प्लस में हो गया, यानी 20x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20, क्योंकि इधर पॉजिटिव में था अपोजिट साइड गया। अब इस फैक्टराइजेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, इट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने पे क्या आ जाएगा, अगर ये 20 है 20x स्क्वायर माइनस 16x, तो ये आपका होगा 20x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25x माइनस 20। ठीक है, तो इट इज बेसिकली इक्वल टू, अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये आपका आएगा 4x, तो आपका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 5x माइनस 4, और ये आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ पे भी अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 कॉमन लेंगे, और ये आपका आएगा 5x माइनस 4। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में आपको, और यहाँ से आपको ये चीज तो निकल गया कि ये एक नंबर होगा आपका 5x माइनस 4, ये आपका 5x माइनस 4, अनदर वन इज 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। इसका मतलब ये आएगा कि आपका जो एक वैल्यू आपका आएगा x इक्वल टू, क्योंकि आप क्या करोगे बेसिकली दोनों को इक्वेट कर दोगे 0 से, इसको भी और इसको भी, तो इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू क्या है 5x माइनस 4 है, तो यानी x इक्वल टू 4/5, एक वैल्यू आपका ये आएगा। ठीक है, और दूसरा वैल्यू आपका आएगा x इक्वल टू माइनस 5/4। और क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉजिटिव है तो हम इस पार्ट को एक्सक्लूड कर देंगे, इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, इफ x एंड y आर 2 डिजिट, ठीक है, x और y क्या है 2 डिजिट है, ठीक है, x और y 2 डिजिट है ऑफ अ नंबर, ठीक है, कौन सा नंबर 653xy सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 80। अब देखो 80 है, 80 कहने का मतलब क्या है, नंबर आखिरी में 0 से एंड कर रहा है, तो कोई भी वैसा नंबर जो यहाँ पे होगा वो कैसा नंबर होगा, तो वो वैसा नंबर होगा जिसका एंड भी जो हो वो 0 से हो। इट मीन्स y इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या रहा है कि वो नंबर 80 से डिविजिबल होना चाहिए। अब समझिए, y तो मेरे को समझ में आया कि 0 है, और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 8 से वो नंबर डिवाइड होते हैं बेसिकली जिसके आखिरी का 3 डिजिट जो है वो डिवाइड किया जा सके 8 से। तो 80 से वह ऐसा कौन सा नंबर होगा जो आखिरी के हम 3 डिजिट को डिवाइड कर सकें। तो मतलब क्या है, बेसिकली मेरा एक नंबर 3 हो गया, दूसरा नंबर x है एंड लास्ट वन इज 0। ठीक है, तो वैसा कौन सा नंबर होगा जो हम x की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग x की जगह पे बस पुट जो कर सकते हैं वो वैल्यू है, इट इज नथिंग बट इट इज, ठीक है, सो आंसर इज 2। आपको पिकआउट करना पड़ेगा क्वेश्चन पे कि किस तरीके से हम उसमें से पिकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर इज 12, यानी सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि मान ले रहे हैं कि एक नंबर आपका x है और एक नंबर आपका y है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट इज 35, यानी कि क्या है x इंटू वाई जो है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 35। उसके बाद लास्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर, अब क्या बात आ गई? तो 1/x, एक का रेसिप्रोकल ये हो गया, दूसरे का क्या हो जाएगा? 1/y, और ये इसी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो ये वैल्यू आपको क्या देगा? जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगा y + x/xy। तो आपको यहाँ दिख रहा है y + x क्या था? 12। तो मतलब ऊपर का वैल्यू क्या आया? 12/xy कितना है? 35। ओके, तो आपके पास आता है ऑप्शन ए विच इज करेक्ट। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इस क्वेश्चंस को जरा देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। बाकी लोग के लिए ये है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 141, 137, 146, 130, 155, 119। What would be the next number? 147, 162, 168, 182. Another question: how many numbers up to 300 and 700 are divisible by 2, 3 and 7? ठीक है, तो बेसिकली आपको हम एक चीज इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोग को बनाने में थोड़ी आसानी होगी। वो ये है कि कितने नंबर्स होंगे, तो 700 टोटल आपके कितने हैं? इन दोनों के बीच का नंबर पूछ रहा है। 700 - 300 that is equal to 400. ठीक है, now find the number, how many numbers is divisible by 2, 3 and 7 all. Okay, last one is find the next number in the series 14, 916, 25, 36. What would be the next number? You have four options. That's all for this video.